विश्व कप 2023 के अगले महामुकाबले में श्रीलंका को कुचलकर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित कर दी है अपनी सबसे घातक प्लेइंग 11। सूर्य कुमार यादव सहित इन शेरों को बाहर करके टीम में सबको चौका डाला, साथ ही साथ अचानक इन दो शेरों की वापसी कराकर सबको कर दिया हैरान। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, भारत और श्रीलंका का विश्व कप 2023 के अंतर्गत अगला महामुकाबला खेला जाने वाला है। तो ऐसे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस महामुकाबले में जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं। तो उन्होंने भारतीय टीम में बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो ऐसे में आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच में विश्व कप 2023 का अगला महामुकाबला कब खेला जाने वाला है, यह महामुकाबला कहां खेला जाएगा, भारतीय समय अनुसार इसकी शुरुआत कितने बजे से होगी, साथ ही साथ इसके लिए टॉस कितने बजे फेंका जाएगा, साथ ही साथ भारत और श्रीलंका के हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड है, और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा घोषित की गई घातक प्लेइंग 11 सहित बहुत कुछ आपको इस ब्रॉड वीडियो में बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम विश्व कप 2023 का फाइनल जीत पाएगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, विश्व कप 2023 बेहद ही शानदार तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम ने अब तक कुल 6 महामुकाबले खेले हैं और 6 के 6 जीतकर विश्व कप 2023 के पॉइंट टेबल में टॉप पर बनी हुई है। ऐसे माना जा रहा है विश्व कप 2023 में भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए लगभग क्वालिफाई कर चुकी है, मगर इसका अगला महामुकाबला श्रीलंका जैसी एक टीम के खिलाफ खेला जाने वाला है, जो कि अच्छा खासा पलटवार करने के लिए जानी जाती है। इसके पास गेंदबाजी और बल्लेबाजी की अच्छी खासी क्षमता है। हालांकि इसका पिछला महामुकाबला अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ खेला गया, जिसमें यह 7 विकेट से हार गई और यह पॉइंट टेबल में बहुत नीचे चली गई है। वहीं पर भारतीय टीम ने श्रीलंका को पहले तो एशिया कप में हराया था, उसके बाद भारतीय टीम ने अच्छा खासा प्रदर्शन करके बड़ी बड़ी टीमों को विश्व कप में चकनाचूर कर दिया है। तो ऐसे में इस महामुकाबले में भारतीय टीम की जीत की पूरी पूरी उम्मीद है, मगर हमको श्रीलंका से सतर्क रहना होगा, क्योंकि अक्सर श्रीलंका बड़े बड़े मुकाबलों में उलटफेर कर सकती है। तो ऐसे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इसके लिए सतर्क है और अपने 11 भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है। वहीं पर अगर इस महामुकाबले की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ यह महामुकाबला भारत में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जो की 2 नवम्बर 2023 को खेला जाएगा। दिन होने वाला है गुरुवार, भारतीय समय अनुसार इसकी शुरुआत होने वाली 2:02 बजे, जबकि इसके लिए टॉस फेंका जाएगा 2:01:30 से। वहीं पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम की जीत की पूरी उम्मीद है, मगर आंकड़े भी कुछ गवाही देते हैं। जहां पर वनडे इंटरनेशनल के तौर पर अगर बात करें तो 167 महामुकाबले दोनों टीमों ने आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं। 98 महामुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल की, जबकि 57 महामुकाबलों में श्रीलंका ने भी बाजी मारने में सफलता हासिल की है। 11 महामुकाबले बिना किसी रिजल्ट के घोषित हुए, 1 बराबरी पर खत्म हुआ। 39 भारत में और 28 श्रीलंका में जीते हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा तो मजबूत नजर आ रहा है। वहीं पर अगर श्रीलंका टीम की बात करें तो क्लब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने 11 भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है और कोच राहुल द्रविड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि भारतीय टीम में बतौर रूप में सबसे पहले उन्होंने स्वयं को और शुभमन गिल को शामिल किया है। जहां पर रोहित शर्मा की बात करें, साल 2023 विश्व कप में उनके आंकड़े हैं वह बेहद ज्यादा शानदार नजर आ रहे हैं। 398 रन वह बना चुके हैं, हर महामुकाबले में अच्छी खासी पारी खेल रहे हैं और उनका खेलने का अंदाज बदल चुका है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि शुरुआती 10 ओवर में मुझे आउट कर लिया तो मैं आउट हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे रोकना असंभव हो जाएगा। उन्हें करके दिखाया, अफगानिस्तान क्लब खेली गई 131 रन की पारी कोई नहीं भूल सकता है। दूसरी तरफ शुभमन गिल की बात करें तो बेहद शानदार खिलाड़ी अपनी शानदार कंसिस्टेंट बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो सबसे घातक ओपनर बल्लेबाज दुनिया के माने जाते हैं। अगर उनका बल्ला जिस मैच में चल गया तो अकेले दम पर पूरे मैच को पलट सकते हैं। रोहित शर्मा के साथ जब यह ओपनिंग करने के लिए उतरते हैं तो फिर उस समय इनकी बल्लेबाजी देखने लायक होती है। तीसरे स्थान पर आपको विराट कोहली को शामिल किया गया, जहां विराट कोहली बेहद ही शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और हर महामुकाबले में अच्छी खासी पारी खेलते हैं। पिछले महामुकाबले में भारतीय टीम हारने वाली थी, उस समय इनने 95 रन की 68 की पारी खेलकर भारतीय टीम को अहम मौके पर जीत दिलाई और अब विश्व कप 2023 के पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंचा दिया है। ऐसे में चेजिंग की जब बात आती है तो खासकर विराट कोहली अपनी तूफानी दम से किसी मुकाबले को पलट सकते हैं। चौथे स्थान पर श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। श्रेयस अय्यर वह घातक खिलाड़ी है जो कि रोहित शर्मा के वन ऑफ द फेवरेट माने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम के एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि कहीं ना कहीं सुरेश रैना की जगह ले सकते हैं। श्रेयस अय्यर को माना जाता है कि 2022 में इन्होंने सबसे ज्यादा रन भारतीय टीम की तरफ से बनाए थे और साल 2023 में यह अच्छी खासी वापसी कर चुके हैं और कुछ अच्छी पारियां भी खेल चुके हैं। ऐसे में इनका होना भारतीय टीम को एक अच्छा बैलेंस प्रदान करता है। वहीं पर आपको पांचवें स्थान पर केएल राहुल का विकेट कीपिंग अंदाज दिखाई देने वाला है। केएल राहुल तूफानी बल्लेबाज हैं और हर महामुकाबले में अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां पर इनका अगर जरूरत पड़ती है तो अच्छी खासी बल्लेबाजी करके जिता सकते हैं और यह कारनामा कर चुके हैं। पहले महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भारतीय टीम का ओपनिंग ऑर्डर बिखर गया था, इनने आकर मिडिल ऑर्डर में 97 रन की नाबाद पारी खेली थी, उसके बाद 68 की पारी भी खेल चुके हैं। और ऐसे में यह एक भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि विकेट कीपिंग भी कर रहा है, साथ में भारतीय टीम को अच्छा खासा एक बैलेंस प्रदान करता है। छठवें स्थान पर बड़ा बदलाव करते हुए सूर्य कुमार यादव को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने पिछले महामुकाबले 49 रन की पारी जरूर खेली थी, मगर वह अभी कंसिस्टेंसी से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अभी इस महामुकाबले में हम श्रीलंका के खिलाफ ईशान किशन को आजमाने वाले हैं। ईशान किशन एक अच्छा ऑप्शन है जो कि टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी कर सकता है, साथ में मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम के लिए अच्छा एक बैक ऑप्शन
ऑप्शन प्रदान करता है। तो ऐसे में ईशान किशन को शामिल किया गया है, जबकि सातवें स्थान पर रवि जडेजा को शामिल किया गया। रवि जडेजा बेहद ही शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है और अपने तूफानी अंदाज की बल्लेबाजी और गेंदबाजी सभी को चकनाचूर कर सकते हैं। पिछले महामुकाबले में जब भारतीय टीम का स्कोर लो हो रहा था, इनने आकर अब भारतीय टीम को एक सहायता प्रदान की और अच्छी खासी पारी खेलकर भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। ऐसे में रवि जडेजा तूफानी गेंदबाजी के अलावा मौके पड़ने पर बल्लेबाजी का ऑप्शन प्रदान करते हैं और गेंदबाजी में फिर इनका जवाब है नहीं है, मौके पड़ने पर सबसे जल्दी ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। वहीं पर आठवें स्थान पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया, जबकि इस महामुकाबले के लिए अभी रविचंद्रन अश्विन की वापसी नहीं हो पा रही है। वानखेड़े के मैदान पर अब देखा जाएगा कुलदीप यादव कैसी बॉलिंग करते हैं। पिछले महामुकाबले में जहां इन्होंने दो अहम विकेट लेकर इकाने स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में भारतीय टीम की वापसी कराई थी और अहम मौके पर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। कुलदीप यादव वह भारतीय टीम के लिए तुड़का एक्का है जो स्पिन डिपार्टमेंट में रिस्ट्री स्पिन करके किसी भी समय पर मुकाबले को पलट सकते हैं। नौवें, दसवें और ग्यारहवें स्थान पर तीन घातक तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है, जहां पर नौवें स्थान पर अभी भी शार्दुल ठाकुर की वापसी नहीं हो पा रही है, जबकि मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। मोहम्मद शमी बेहद ही शानदार खिलाड़ी हैं और अपनी तूफानी गेंदबाजी से इन्होंने दो महामुकाबलों में 9 विकेट चटका लिए, जहां पहले महामुकाबले में 5 विकेट इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ चटकाए थे। उसके बाद दूसरे महामुकाबले में जब इनको मौका मिला, इन्होंने शानदार गेंदबाजी करके अपनी टीम को 4 अहम विकेट चटकाकर जीत दिलाई, वह भी ऐसे मौके पर जब भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ हारता हुआ सब कोई देख रहे थे। ऐसे में इनका आपको सुपर नियंत्रण दिखाई देने वाला है। दसवें स्थान पर आपको मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। पिछले महामुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ यह विकेट लेस गए थे, इन्होंने कोई विकेट नहीं लिया था, मगर इनको माना जाता है यह टॉप ऑर्डर में, यह शुरुआती ओवरों में भारतीय टीम को विकेट जरूर दिलाते हैं, यह लगातार कर चुके हैं। आपको बता दें श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने एशिया कप के फाइनल महामुकाबले में 6 विकेट लिए थे और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे और इस महामुकाबले को जीतकर एशिया कप का फाइनल भी जीता था। तो ऐसे में श्रीलंका को खासकर सतर्क रहना होगा अब मोहम्मद सिराज से और अब यह मुकाबला खेले जाने वाला है भारतीय सरजमीन पर। ग्यारहवें स्थान पर आपको जसप्रीत बुमराह खेलते दिखाई देने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह बेहद ही शानदार खिलाड़ी हैं और विश्व कप में भारतीय टीम की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। शानदार गेंदबाजी करते हैं, इनकी लाइन लेंथ परफेक्ट होती है, स्लो ओवर वन से अलावा यॉर्कर भी तूफानी होती है। यह दुनिया में दुनिया के नंबर वन गेंदबाज माने जा रहे हैं। इनकी गेंदबाजी विश्व कप में सबसे घातक है और यह मुकाबले को अकेले दम पर पलट सकते हैं। इसके अलावा भारतीय टीम से शार्दुल ठाकुर, सूर्यकुमार यादव, रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है, जबकि हार्दिक पांड्या भी वापसी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं तो घातक प्लेइंग 11 रोहित शर्मा ने घोषित किया, आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 से सूर्यकुमार यादव को बाहर किया जाना चाहिए था? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, नए सब्सक्राइब कीजिए।